नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। मैं आपके साथ रुद्रपुर से भास्कर पोखरियाल। यहाँ की एक खास खबर यह है कि रुद्रपुर को अब स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह और देवभूमि व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विकास शर्मा ने विगत दिवस देहरादून राजधानी में मुख्यमंत्री से कुछ बिंदुओं को लेकर के बातचीत करी और उनसे मुलाकात के बाद रुद्रपुर शहर के सौंदर्यीकरण और उसके विकास को लेकर के कई प्रस्ताव रखे। 5-6 बिंदुओं के इस प्रस्ताव पर उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि रुद्रपुर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की हो गई है। इसके लिए सिंचाई विभाग की कुछ ज़मीनें हैं जो वहाँ निगम को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिए, और इसके अलावा जो है शहर की किच्छा रोड स्थित जो मोदी मैदान है उसको एक सौंदर्यीकरण के रूप में एक पार्क स्थापित किया जाना चाहिए ताकि उसको लोगों का वहाँ आवागमन होता रहे और उस पर सौंदर्यकरण को और डेवलप किया जाए। उन्होंने वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा मुख्यमंत्री के समक्ष कि जो नगर निगम के पार्षद हैं उनका एक मानदेय राज्य सरकार निश्चित कर दे ताकि वह जनप्रतिनिधि के नाते अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए उनको अगर इधर उधर कहीं जाना भी पड़े तो उनकी अर्थव्यवस्था न डगमगाए। इस पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति जताई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर निगम के मेयर रामपाल ने कहा कि जो बिंदु उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखे हैं उन सभी बिंदुओं पर मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति जता दी गई है और जल्द ही इस दिशा में कुछ कदम सार्थक उठाए जाने हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है मीडिया से रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल का। माननीय मेयर साहब, आप विगत दिवस जो है मुख्यमंत्री जी से मिले थे और रुद्रपुर के विकास और उसके सौंदर्यकरण सहित कुछ बिंदुओं पर आपने बात करी, जरा उस पर बताएं कि क्या क्या आपको सकारात्मक जवाब सरकार और मुख्यमंत्री की तरफ से मिले हैं। देखिए, मैं शुरू करता हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या सिंचाई विभाग के सामने पड़ा हुआ एक भूखंड है और हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है और हमारे यहाँ कोई पार्क नहीं है जहाँ पर कि फैमिली के साथ में कोई लोग टहल पाए। तो हमने पार्किंग और पार्क और एक शॉपिंग मॉल की व्यवस्था करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि 24.68 एकड़ जमीन जो सिंचाई विभाग की है वो हमें दे दी जाए और उनको शहर से बाहर कहीं एक जगह उपलब्ध करवा दी जाए, जिस पर मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें बड़ा सकारात्मक जवाब मिला है और उन्होंने कहा है कि ये अच्छी योजना है और हम प्रयास करेंगे इसको पूरा करें। दूसरा, हमारे यहाँ एक मोदी मैदान है जिसको कि हरीश रावत जी की सरकार में एक प्राइवेट बिल्डर को दे दिया गया था, वो जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत हमने उनसे आग्रह किया है कि हमारे पास में FCI के बगल में एक जगह पड़ी हुई है 8.5-10 एकड़, वो हम उन्हें दे देंगे और इसके लिए हमें वो जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो पार्क दिया जा रहा है ये पार्क आप हमें वापस कर दें ताकि हम इसमें एक सिटी पार्क डेवलप कर सकें मॉडर्न तौर पर, ताकि इस शहर को हम एक अच्छा पार्क उपलब्ध करवा पाएँ कि लोग वहाँ पर जाके टहल पाएँ। और एक नजूल नीति जो हमारे शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर भी बड़ी सकारात्मक बहस हुई, हम लोगों की सकारात्मक चर्चा हुई है और उस पर उन्होंने बताया है कि जो आने वाला इलेक्शन है हमारा 2022 का, उससे पहले इस नीति को लाकर सरकार इसका समाधान निकालेगी, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। इसके अलावा हमारे यहाँ कई सारी चीज़ें थी, जैसे हमारे रिक्त पद थे उन पर चर्चा हुई है। हमने स्मार्ट सिटी के तौर पे अपने शहर को डेवलप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रीट केबलिंग है, अंडरग्राउंड केबलिंग है और इस शहर को पूरे एक कमांड ऑफिस की तरह, एक जैसे सिटी कमांड ऑफिस देहरादून में है उसी तरीके का हमारे यहाँ एक कमांड ऑफिस बने और उसके तहत पूरे शहर का कमांड हो कि कहाँ पर और पूरे शहर में कैमरे लगेंगे और उसमें हमारी गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं कहाँ नहीं जा रही हैं, कूड़ा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है या जो भी निगम से संबंधित समस्या है वो ऑनलाइन उसको हम हल कर पाएँ, ऐसे इस प्रयास के तौर पर हमने स्मार्ट सिटी के तौर पर उनसे एक प्रोजेक्ट लेने का प्रयास किया है और हमें आश्वासन मिला है कि वो हमारी समस्या को अवश्य सुनेंगे और उस पर हमें आश्वासन मिला है कि वो उस पर अवश्य विचार करेंगे।